शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के हल्ला बोल अभियान कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते ये बदलाव किया गया है। आपको बताते चले, पार्टी ने 6 सितंबर तक स्थगित किए सभी प्रदर्शन और कार्यक्रम। अब 6 सितंबर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी जानकारी देखिए, लगातार जो है चूंकि बहुत दुखद खबर ये कल सामने आई और इसके बाद जो कार्यक्रम प्रस्तावित थे उसमें ही बदलाव किए जा रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी का चूंकि जो हल्ला बोल कार्यक्रम है वो लगातार जारी था, अब इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बदलाव किया गया है। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते ये बड़ा बदलाव किया गया है। 6 सितंबर तक सभी प्रदर्शन और कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और अब 6 सितंबर के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लगातार इस तरीके से कार्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। और फोनलाइन पर संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, कार्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हल्ला बोल अभियान कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, और क्या जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है? बीजेपी के जो हल्ला बोल अभियान के तहत अभी दो बड़े कार्यक्रम बचे थे। एक में जिला स्तर पर कार्यक्रम होना था और एक में मंडल स्तर पर, और ज्ञापन भी दिए जाने थे जिला कलेक्टर्स को। इस कार्यक्रम में सांसदों की, विधायकों की, जिलाध्यक्षों की सभी की सक्रिय भूमिका होनी थी। और कई सांसद प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे हैं और अगले 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ऐसी सूरत में बीजेपी ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। कोई भी प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद में जो राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, इसी के चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। नई तारीख बीजेपी बाद में तय करेगी। जी बिल्कुल शशि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बदलाव यहां पर किया गया है और 6 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है।